खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से है, जहां पर नव निर्वाचित निर्दल चेयरपर्सन सबा शमीम व उनके पिता डॉक्टर शमीम का मुबारकपुर में जगह जगह स्वागत एवं माल्यार्पण किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार रात समाज सेवी गुड्डू मिर्जा के नेतृत्व में उनके अली नगर स्थित आवास पर नव निर्वाचित चेयरपर्सन सबा शमीम के पिता डॉक्टर शमीम का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनके आवास पर भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां पर सैकड़ों लोगों को भोजन कराया गया। दरअसल मुबारकपुर में अध्यक्ष पद की निर्दल उम्मीदवार सबा शमीम ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को 10,124 वोटों से हराकर मुबारकपुर नगर पालिका परिषद से सबसे कम उम्र की चेयरपर्सन का रिकॉर्ड बनाया है, जिसकी चर्चा नगर में खूब हो रही है। इस दौरान डॉक्टर शमीम ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस जीत का श्रेय यहां की जनता को जाता है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुझे पूरा विश्वास था कि हम लोग बड़ी जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि जब भी मैं क्षेत्र में जाता था तो लोग बोलते थे जिससे हमने महसूस किया। उन्होंने कहा कि मैं 15 साल चेयरमैन रहा हूँ, मैंने काम किया है 15 साल और 5 साल में दोनों में फ़र्क था। डॉक्टर शमीम ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि नगर में साफ सफाई और लोगों तक शुद्ध पानी पहुंचाना और जल निकासी की व्यवस्था करना। डॉक्टर शमीम से तालाबों के अस्तित्व पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी गुंडे बदमाश नगर में पोखरियों को पाट रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तालाबों के अस्तित्व को बचाने के लिए पाटे गए तालाबों को खुदवाया जाएगा, साथ ही आम लोगों को राहत भी दी जाएगी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 5 साल पहले सब कुछ ठीक था, कहीं नाली खुली नहीं थी, कहीं पर पानी नहीं लगता था, लेकिन पिछले सालों में नगर में काफ़ी समस्या उत्पन्न हो गई, जिसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाएगा। डॉक्टर शमीम ने कहा कि 5 साल पहले जनता का कार्य नगर पालिका में तुरंत होता था, क्योंकि उनका बॉस ईमानदार था। वहीं समाज सेवी गुड्डू मिर्जा ने अपने बयान में कहा कि मुबारकपुर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा चेयरपर्सन चुना है, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में यह अच्छा कार्य करेंगी। गुड्डू मिर्जा ने मुबारकपुर से लोगों से अपील किया कि चुनाव के वक्त में लोग एक दूसरे के विरोधी होते हैं, लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया, अब सब लोग एक हो जाएं, कोई भी किसी को टीका टिप्पणी ना करे, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। अब सबा शमीम चेयरपर्सन सभी लोगों की हैं, मुझे उम्मीद है कि यह बिना भेदभाव के सभी कार्य करेंगी। जाते थे जनता में और जो देखते थे, देखिए मैंने काम किया 15 साल तो मैं शर्मिन रहा हूँ जी, तो वो 15 साल 5 साल दोनों में फ़र्क था, और हम लोग महसूस करते थे फर्क था, लोग बोलते भी थे तो लोगों की जबानी ये समझ में आता था कि लोग बातचीत बोलते हैं। पालिका एक्ट होता है, हम अपने सोच में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते जी जी, एक्ट के हिसाब से हमको सफाई करानी है, पानी पानी पहुँचाना, पानी फिर निकासी जो इसे किडनी की तरह होता है, और ये घनी आबादियों से पानी निकासी जी काफ़ी कुछ अवरुद्ध है, उसको सही कराना हमारी प्राथमिकता, जिसको आप बोल रहे हैं जो गुंडे बदमाश है उनको नहीं छोड़ना है, आम जनता के लिए हमारी सब सब सेवा रहेगी, उस पर जहाँ तक हो सकेगा नरमी करेंगे, लेकिन जो गुंडे हैं बदमाश हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, पोखरियाँ पाट रहे हैं, उनसे कोई मरम्मत। सबसे पहले तो आपके सीबीआई यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सबको मुबारकपुर वासियों को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मेहनत किया और एक ऐसा चेयरमैन चुना, चेयरपर्सन चुना कि आगे भविष्य में वो अच्छा काम करेंगे, हमें उम्मीद है। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अभी चुनाव का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब चुनाव के पहले जो बहुत से दुश्मन और दोस्त बनते हैं चुनाव के मौसम में, तो सारे लोग को ये गलत जो है अपने दिल से सारा मैल निकाल देना चाहिए, जिससे कुछ तलखी हुई है ख़त्म कर देना चाहिए, फिर जैसे हम एक जैसे थे वैसे हो जाना चाहिए, और किसी को एक दूसरे पे कोई भी टीका टिप्पणी अब नहीं करना चाहिए। अब डॉक्टर सबा शमीम साहब सबकी चेयरपर्सन है और नगर पालिका उनके हाथ में, इंशाल्लाह बगैर भेदभाव के नगर पालिका को सुचारू रूप से चलाएंगे और जो जनता की ज़रूरत है उसको